हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। पूजा, हाय पूजा। ए पूजा, वाह। पूजा कहाँ से आई आप? नागपुर। नागपुर से जी पूजा। सो मेरा तो मजा किसने नहीं लिया है, बट मैंने एक बार मजा लिया है किसी का। हमारा एक्चुअली कजिन्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा जी। तो मेरा एक छोटा कजिन काफी ज्यादा एक्साइटेड था गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। अच्छा जी। तो हमेशा मेरे भाई को बोलता था, भाई यार कोई पटा देना यार। अच्छा। भाई कोई जमा देना यार। तो मेरा ये भाई है, एक दिन उसका फोन आया, हम दोनों साथ में बैठे थे। मैंने बोला यार ये स्यापा खत्म करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, हमारे पास एक कॉमन फोन था दोनों के पास, जो नंबर नहीं था उसके पास। अच्छा। सो मैं उससे बात करती थी कि हेलो, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हो तुम, मुझे मिलना है तुमसे एक बार। ऐसे काफी टाइम तक मैंने उसको पूरा भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर? और इसके बाद दिन में ये सब सीन चला, फिर रात में मेरे भाई ने किरदार निभाया जो ये बताएगा। हेलो एवरीवन। हाय राज। मैम हाय। तो जैसे राज, आपका नाम ना? विक्की, विक्रम। विक्की, पूजा, सारे मेरे कैरेक्टर्स ही हैं तुम्हारे। हां एक्चुअली। हां भाई विक्की। या फाइन सर। अच्छा तो फिर क्या हुआ? दीदी तो दिन में बात कर लेती थी, रात में अपन बात करते कंबल वंबल ओढ़ के बिल्कुल आराम से प्यार से। नहीं वो तो ओढ़ता था इसलिए क्योंकि उसको लगता था लड़की का फोन। मैं भी। आप कंबल ओढ़ के क्या करते थे? आवाज वैसे लगनी चाहिए लड़की बात कर रही है। अच्छा जी। तो अब क्योंकि रात है, रातों रात होती है, थोड़ा रोमांटिक हो जाया करता था मैं। अच्छा। वाह विक्की। बात ऐसे ही करता था मैं जैसे, हाय बेबी क्या कर रहे हो। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसी बात ले करते करते जस्ट मैंने कहा कि बेबी सुनो सुनो, लगता है पापा जाग गए, मैं आपसे दूसरे कमरे में जाके 2 मिनट में बात करती हूँ। ये जो आपने ऐसी आवाज निकाली, वो लड़का तो 5 मिनट में जवान हो गया होगा। वाह। तो फिर उसके बाद उसकी ऐसी हमने 3-4 महीने तक काफी मजा ली। फिर फाइनली मतलब मेरे भाई की शादी हुई थी तो वहाँ पे हमने जैसे ज्वाइन फैमिली हमारी, तो पूरे ग्रुप को ज्वाइन किया और वहाँ पे उसकी पोल खोली, कहा कि भाई कोई और नहीं है, दिन में बात करने वाली दीदी थी, रात में बात करने वाला मैं था। उन्हें चप्पल उठा के नहीं मारी? इमोशनल हो गया, रो दिया था बंदा। क्या था, सच्चा प्यार करने लगा वो। यार अब्बा। उसके बाजू और चेक किए, नाम तो नहीं लिखा था उसने? नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा था। वाह यार, बड़े मजेदार हो आप दोनों कजन। शटर हो गई यार। शुक्रिया विक्की, थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? अरे पाजी की हालचाल, वेलकम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी, की हाल चाल जी? बढ़िया बढ़िया। हेलो अश्वन जी। सत श्री अकाल जी। हेलो मैम। सत श्री अकाल जी। तो नुसरत से नहीं हेलो करनी? हेलो मैम। हाँ जी सर, कभी कभी ना हंसी मजाक में जी मजाक बहुत महंगा पड़ जाता है। उसका एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, 2003 की बात है। अच्छा जी। मेरा एक फ्रेंड था पाली, पाली वो ऑस्ट्रेलिया में चले गया अभी। अच्छा जी। उसकी हाइट थी 6 फीट, उसके साथ कोई लड़की पढ़ती नहीं थी। अच्छा। मेरे साथ उस वक्त 3-4 लड़की सेट थी। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, कहते हैं यार तेरे साथ सेट है, मेरे साथ कोई सेट नहीं। मैंने उसको एक आइडिया दिया, भी तूने एक मोबाइल ले ले, उस वक्त मोबाइल बहुत मुश्किल मिलता था। हाँ जी। तो लड़की सेट हो जाएगी। उसने क्या किया, जुगाड़ लगा के मोबाइल ले लिया। और मैंने सोचा यार इसका कुछ काम बनाना, वो मेरे पास आया, भी अब सोच मेरे बारे में। हाँ। मेरा एक और दोस्त था, वो लड़की की आवाज निकालता था। अच्छा जी। हमने 10 दिन उसके साथ लगातार बात की, उसको पूरा फ्लैट कर दिया लड़की के हिसाब से। अच्छा। वो पूरा सेट हो गया। उसको बताया कि मैं बैंक में काम करती हूँ, तुम मेरे बैंक में बाल मिलने आ जा। अच्छा। उसको बताया मैं 4 बजे बाहर निकलूंगी, मेरे को मिलना। हाँ। वो 3 बजे बैंक के बाहर खड़ा हो गया। 5 बज गए, लड़की नहीं आई। हम 5 दोस्त उसके साथ पहुंच गए। मैं कहा यहाँ क्या कर रहा है यार, मैंने लड़की सेट की, वो बाहर नहीं आई। मैं कहा बेटा लड़की क्यों नहीं थी, हम ही थे। उसने क्या किया, वहां से लकड़ी उठाई और मेरे को मारने लगा, ये मेरी फिंगर टूट गई उस वक्त। बहुत महंगा पड़ा वो मजाक। चिच्ची उंगली तोड़ दी। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन था, हम आपका था ना मैथ का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछना चाहते हैं। मेरे से? किसी ने आपको मेरे नंबर बताए होंगे पक्का पहले? नहीं नहीं, हम 3 जीजा आए हैं, 3 साल आए हैं। अच्छा। टोटल पर्सन बताइए कितने आए हैं? 3 जीजा 3 साल। यार ये कैसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, मतलब ऐसे बोल देता हूँ, वैसे मैं ज्यादा सोचा नहीं। 6 लोग? 4 सर। 4? हमने 4 में टेस्ट किए। कैसे किए? ये मेरे जीजा जी हैं। अच्छा जी। ये मेरा साला है, ये इसका साला है। वाह। ये कंटिन्यू साला, जीजा जीजा जीजा, 3 जीजा 3 साला। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया। तो उनके साले आप? हाँ जी। आपके ये और ये मेरा इनका साला। कोई साला नहीं आगे बैठा नहीं हुआ कोई? हाँ
तो तीन साल तीन चीजें हुए ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कितने सालों से आप साथ में घूम रहे हो? साथ ही रहते हैं. और इसी ऑर्डर में. हाँ जी. सो क्यूट. एक मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ. आई सो स्वीट ऑफ यू. की लाए पाजी? ले आ रहे हैं जी. ले आ रहे हैं. ले आ रहे हैं जी. ਐ ਕੀ ਭਾਜੀ? ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਸਵੀਟ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ. ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर द ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਿਫਟ. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ. ਇਹ ਜੋ ਆਪਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੂਆ ਤੇਰਾ ਹੱਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ? ਇੱਕ ਨਾ ਹਮਨੇ ਐਨਜੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਜਲੰਧਰ ਮੇ. ਹਾਂ. ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾ, ਅਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਮੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. हम क्या करते हैं, आप जो कपड़े यूज करना बंद कर देते हैं जी, अब उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं. अच्छा, उनको वॉश कराते हैं, क्लीन कराते हैं, उन लोगों को देते हैं जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. वाह. जो हैंड टू माउथ है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये जरूरी नहीं है कि हम उनसे पैसे लें. अच्छा जी. फ्री में भी दे सकते हैं. अगर वो देते हैं तो हमें वो सिर्फ 13 रुपए देते हैं. अच्छा जी. उन पैसों को हम विडो लेडीज को राशन देते हैं. जिस लड़की की शादी नहीं हो सकती शादी करवा. क्या बात है. और इस संस्था में सबसे बड़ी ये बात है कि हम किसी से भी डोनेशन नहीं लेते. क्या बात है भाजी, बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं आप लोग. हम बचपन में पढ़ते थे ना कि गुरु नानक साहब ने एक किसी दुकान में जॉब करते थे वो, तो जब वो तोल के राशन देते थे तो 13 पे आके रुक गए थे वो. तो उनको किसी ने कहा भी कि तुम ऐसे क्यों लुटा रहे हो सब, तो बोलते कि सब 13 ही है, मेरा इसमें है क्या. तो ये बड़ा खूबसूरत वर्ड भी है भाजी, पर बड़ा बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हो आप. थैंक यू सर. थैंक यू भाजी. लव यू. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत मिलने की तमन्ना थी. थैंक यू. शुक्रिया. थैंक यू. आइए. और कोई हमारे दोस्त अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब. हाय कपिल, क्या हाल है? वेलकम. हाय सर. मैम, मेरा नाम ग्रेट हार्ट है. ग्रेट हार्ट. ग्रेट हार्ट. व्हाट अ लवली नेम. महान दिल. What a lovely name. आज से मेरा नाम सेक्सी मैन. Happy. सेक्सी मैन. Wonderful guy. You can call me wonderful guy. हाँ कपिल सर, मेरा एक किस्सा है. मैं एक ऑफिस में. I'm a. मैं सोच ही जा रहा हूँ. कोई पूछ इनको. ग्रेट हार्ट, मेरी बनियान कहाँ रखी है? ग्रेट हार्ट, आपकी शादी होगी? नहीं, मेरा शादी नहीं हुई. अच्छा, स्वीट हार्ट नहीं अभी. अभी सीधे ग्रेट हार्ट. इतना ग्रेट हार्ट कहाँ लेके जाते हो आप? मैं अंडमान से आया हूँ. अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है. अंडमान से आप कभी आए अंडमान? हाँ हाँ, मैंने डाइविंग किया अंडमान में. स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया है. एक मिनट, में ये जो स्कूबा डाइविंग का आपने कोर्स किया, उसके बाद क्या जॉब वगैरह करनी है? स्कूबा डाइविंग क्यों करती है लड़कियां ऐसे कोर्स? नहीं, मुझे मजे के लिए. भाजी ऐसा कौन सोचता है कि मैं जाके स्कूबा डाइविंग का कोर्स करूं? बहुत लोग जाते हैं, छोटे लोग जाते हैं. मुझे अंडर वाटर का जो एक सन्नाटा है बहुत पसंद आता है. इट्स वेरी कामिंग. तो आपको वो जानवर दिखते होंगे अंदर से, है ना? सब दिखे हैं. मैंने मालदीव्स में एक बार किया था, वो लगा के जो बाहर तक क्या बोलते हैं, स्नॉर्कलिंग की थी. उस 1.5-2 फीट तक अंदर जाओ. हम 6 से 10 या 12 मैक्सिमम फीट. अच्छा, डाउन. भाजी वो बंदा वेट कर रहा है. मुझे लगता है चले गए होंगे. अच्छा. मेरा एक फ्रेंड है, उसका आवाज लड़की का आवाज है. अच्छा. मेरा फोन आ जाता है वहाँ पे ऑफिस में, तो वो मेरा फोन को लेके जाता, फोन करते मेरे फ्रेंड्स को. फिर मेरा फ्रेंड्स उसका आवाज पसंद आया. अच्छा. वो अपना नाम बताया, जेनिफर. 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 हाँ. तो एक बार उसने उसका वाइफ ने पकड़ लिया उसका फोन. अच्छा. देख किया कि हाँ ये लड़की शायद मेरा हस्बैंड का गर्लफ्रेंड है करके. इसलिए उसको. अच्छा. फिर उसको पकड़ लिया वहाँ से. आहिंता प्लीज आप मेरा हस्बैंड को फोन मत करो, डिस्टर्ब मत करो. उसी समय में हम लोग ये काम छोड़ना पड़ा. पर अच्छी बात है, आपके दोस्त की आवाज लड़की जैसी, वो कितने पैसे कमा सकता है. Great heart. What a great story. Thank you sir. Thank you. You're a sweetheart. Thank you. ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं बता रहा था आपको. अच्छा. ले भूल गया. बताओ बताओ क्या हुआ फिर? जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, तो उसके घर पे ना फोन करना होता तो मैं लड़की की आवाज में बोलता था आंटी से कि बात करवा दो. ऑफ कोर्स व्हेन यू वर 14 एंड 15 दैट कास्ट फॉर वे, जहां पे आप लड़की आवाज निकाल सकते हो. आवाज बदल रही होती है, घंटी छोटी नहीं होती ना उस टाइम पे. तो आई यूज्ड टू कॉल, फोन करता था उनको और अंकल उठाते थे तो कैन आई टॉक टू, आई कांट टेक द नेम ऑफ कोर्स.
तो एक दो घंटा बात होती रहती थी, अगर खुद बन के बात करते तो 10 मिनट के बाद पापा बोलते थे कि इतनी देर बात क्यों कर रहे हो, तो हो जाता था वो। हाँ, तो आयुष्मान की तरह कोई नजाकत से लड़की की आवाज में बात कर सकता है तो अपना टैलेंट दिखा सकता है। जी, ओ भाई साहब ने हाथ उठाया, दोनों बार बार, पहले उन्होंने हाथ उठाया, वो जिन्होंने वो बड़ी मजेदार अच्छी सी टोपी पहनी है, वाह, दोनों साथ में ही है, आप साथ में, अच्छा जी, साथ में लग नहीं रहे आप, पर साथ में। हेलो, उस तरफ आ जाइए, हाय, कैसे हैं आप? हाय 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 सर, आइए सर इस तरफ आ जाइए, आवाज के साथ साथ अदाएं भी दिखानी है आपको। हाय हाय, आपने तो उतरती दिखानी शुरू कर दी, ऑलरेडी ऑलरेडी दिखानी शुरू, तो एक एक करके। आपका क्या नाम है? मेरा अक्षय पटेल। अक्षय पटेल, आप साथ में करने वाले कुछ के अलग से? नहीं, अलग से ही। हाँ, अक्षय पटेल जी, आप पहले सबसे पहले बताइए करके। ठीक है, मैं एक लड़की के आवाज में गाना चाहूंगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो गए जी मेरे अपने शहर वाले, ओ मेरी अंगड़ाई ना छूटे, तू आ जा गजरा रे, क्या बात है पटेल साहब, वेरी गुड। अक्षय, ऐसा लग रहा था कि लड़की का ना किसने गला पकड़ा हुआ है और उसके बाद वो गा रही है, पर ठीक है, हमें मजा आया सुन के, शुक्रिया। भाई साहब को देना माइक, इनका क्या नाम है? मेरा नाम परसराम है। परसराम जी, आपने काफी अंगूठियां मुठियां पहनी ना, चेन भी गले में, मछली ऊपर को जा रही है आपकी, इधर भी कुछ लगाया हुआ है। कपिल जी, आप अगर मेरे हो जाएंगे ना तो मैं सारी दुनिया छोड़ दूंगी, मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। ये जो सब नकली अंगूठियां है ना, वो असली हो जाएंगी। वो कैसे, मैं सोने का पानी हूँ? आप सोना है, हीरा है, पारस है आप, आप जिसको छू दे वो तो सोना ही हो जाएगा। उनको छू दो सर, छू दो सर, उनका मन करे छू दो, छू दो सर, दूर दूर से पानी छू दो, छू दो, उनको सोना बना दो। कहाँ है सोना? सर ये सोने की हो गई। शुक्रिया सर, मस्त अदाएं आपने दिखाई अपनी, कसम से आप, थैंक यू। हाँ, बाहर सड़क पे ना कभी ऐसे चलना, पीछे लग जाएंगे आपके लोग। जी सर, मैं लेडीज डांस करना चाहता हूँ। अच्छा, लेडीज डांस करना तो चाहते हैं, गाना भी हमारा ही लगा दो। हाँ, गाना भी इनका ही हो जाए। बिल्कुल, शुक्रिया सर।